अब आपके शहर गिरिडीह के जमुआ में खुल गया है साधना टेलीकॉम, जहां आपको मिलेगा विभिन्न ब्रांड के मोबाइल फोन, वो भी उचित दाम में। आपको यहां मिलेगा वीवो, एमआई, आईफोन, रियलमी, वन प्लस, इंटेल, नोकिया, लावा, पोको फोन, इन्फिनिक्स और भी अनेकों प्रकार के फोन। यहां आपको बजाज फाइनेंस और पाइन लैब्स टीवीएस क्रेडिट की सुविधा भी मिलेगी। हमारे यहां मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है, तो आज ही आएं और अपने पसंदीदा मोबाइल ले जाएं, वो भी उचित मूल्य पर। हमारा पता है चितरडी रोड, जमुआ, गिरिडीह, झारखंड। हमसे संपर्क करें 9199183204 और 9572781699 पर। गोमिया विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को निर्दलीय प्रत्याशी चितरंजन साव ने अपना नामांकन प्रपत्र वैरमो अनुमंडल कार्यालय तेनुघाट में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। किन मुद्दों को लेकर वे चुनावी मैदान में उतरे हैं, इस संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि बैरमो को जिला बनाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि की गंभीर समस्या है। कहा कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो सर्वप्रथम इन सभी ज्वलंत मुद्दों को दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना है। यहाँ के जो आज बेरोजगारी का मार्ग जो खा रहे हैं उससे मुक्ति दिलाना है। यहाँ पर पानी, बिजली और शिक्षा और सड़क पुलिया का जो समस्या है, जो समाधान नहीं हुआ है, उसको समाधान करना है। कहीं ना कहीं गोमिया विधानसभा के लोग पिछले 10 साल से आज़ाद देश में भी गुलामी महसूस कर रहे हैं, उस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और पूरे गोमिया विधानसभा के लोगों को आज़ादी की इस लड़ाई में पूरे गोमिया विधानसभा के हर एक समाज के लोग, हर एक समुदाय के लोग हमारे साथ हैं और साथ दे रहे हैं। ये बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का बात है कि हम पर लोग विश्वास जता रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष का काम किया हूँ और बहुत अच्छी तरह से काम किया हूँ। मैं रिजाइन नहीं किया हूँ और मैं बागी बन के चुनाव लड़ना चाहता हूँ और पूरे गोमिया विधानसभा के एक एक लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस आज़ादी की लड़ाई में आप जेएमएम में हैं जेएमएम में रहिए, आप कांग्रेस में हैं कांग्रेस में रहिए, आप आंसू में हैं आंसू में रहिए, लेकिन 20 दिन के लिए बागी बन जाइए मेरे तरह और इस बागी को साथ दीजिए। 10 साल का कहीं ना कहीं कुछ हद तक ठीक था, लेकिन अभी जो 10 साल से है, आप देखे होंगे यहाँ के कितना भोला भाला सीधा लोग, यहाँ के जब कोई ऑप्शन नहीं मिला, कोई यहाँ के अच्छा कैंडिडेट नहीं थे, तो रामगढ़ के मुरुबंदा के रहने वाले रामगढ़ के बेटा को हम लोग यहाँ पर चुनाव जिताने का काम किया, वो भी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताएं। और जब उनकी सदस्यता चली गई तो हम लोग देखिए कितना सीधे हैं गोमिया के लोग, उनकी पत्नी को भी मौका दिए और आज देख लीजिए 4 बार उनको हम लोग वोट दिए, वो अपने आप को दर्जा प्राप्त मंत्री बोले और कौन सा अध्यक्ष बने, लेकिन आज ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बने, एक भी काम नहीं किए, एक भी उपलब्धि ओबीसी के लिए काम नहीं किया।